नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ गुरु में। आज लॉ गुरु में हम आपके सामने लेकर आए हैं कंपेल ऑफ अपीयरेंस, यानी कि किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने या फिर ये कहें कि कोर्ट के सामने कैसे हाजिर किया जाता है, उसका प्रोसीजर क्या होता है, आज का टॉपिक हम उस पर कवर करेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कंपेल ऑफ अपीयरेंस का जो टॉपिक है उसे हमने चार पार्ट में डिवाइड किया है। पहला समन, जिसमें हम बताएंगे कि समन कहते किसे हैं, किसको इशू किया जाता है और कब इशू किया जाता है, यानी कि सेक्शन 61 से लेकर 69 के बारे में। दूसरा हमारा टॉपिक है वारंट, जो कि सेक्शन 70 से लेकर 81 तक कवर करता है, जिसमें हम बताएंगे कि वारंट कहते किसे हैं, किसको इशू किया जाता है, कब किया जाता है और कौन कर सकता है। तीसरा टॉपिक है प्रोक्लामेशन, जो सेक्शन 82 में बताया गया है। और इसी के साथ चौथा हमारा टॉपिक है अटैचमेंट, जो सेक्शन 83 से लेकर 86 को कवर करता है। दोस्तों इस पार्ट में यानी कि इस वीडियो में हम सिर्फ समन को कवर करेंगे, यानी कि सेक्शन 61 से लेकर 69 तक कवर करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ लॉ गुरु में। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 61 की, यानी कि फॉर्म ऑफ समन। इसी से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि समन कहते किसे हैं। एक्चुअली समन एक नोटिस होता है जो किसी कोर्ट किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा भेजा जाता है उस व्यक्ति को जिसको हम कोर्ट में हाजिर कराना चाहते हैं। सेक्शन 61 बताता है फॉर्म ऑफ समन के बारे में, यानी कि समन जो है वो किस फॉर्म में होगा। तो ये बताता है कि जो भी समन किसी कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है वो राइटिंग में होगा और डुप्लीकेट फॉर्म में होगा, यानी कि उसकी दो कॉपी निकाली जाएंगी। उसके बाद जो प्रिसीडिंग ऑफिसर उस समन को इशू करेगा उनके द्वारा उसको साइन किया जाएगा और जिस कोर्ट से उसे इशू किया जा रहा है उस कोर्ट की सील लगी होगी उस समन पर। अब बात करते हैं सेक्शन 62 की, समन्स हाउ सर्व्ड, यानी कि समन जो है उसे कैसे सर्व किया जाता है, कैसे पहुँचाया जाता है उस व्यक्ति तक जिस तक उसे पहुँचाना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो भी समन सर्व किया जाता है वो पुलिस ऑफिसर के द्वारा सर्व कराया जाना चाहिए। अगर पॉसिबल है तो वो समन पर्सनली भी सर्व कराया जा सकता है, साथ ही साथ उसे देकर जो डुप्लीकेट कॉपी होगी उसके बैक साइड पे उस व्यक्ति के साइन भी कराए जाएंगे। दोस्तों सेक्शन 63 से पहले मैं सेक्शन 64 को लेना चाहूँगा, क्योंकि एक सीक्वेंस में आपको अगर मैं समझाना चाहूँ तो ये आपको जल्दी से समझ में आएगा। जैसे कि हमने बताया सेक्शन 61 में समन का फॉर्म कैसे होता है, फिर सेक्शन 62 में बताया कि उसे कैसे सर्व किया जाएगा, अब 64 में बताते हैं हम सर्विस व्हेन पर्सन समन कैन नॉट बी फाउंड, यानी कि वह व्यक्ति जिसको समन इशू किया जाना है अगर वह व्यक्ति अपने पते पर या अगर वह व्यक्ति नहीं पाया जाता है तो इस सिचुएशन में क्या किया जाएगा। तो इसमें लिखा गया है अगर वह व्यक्ति जिसको समन इशू करना है या किया जाना है वह अपने पते पर नहीं पाया जाता है तो कोई भी उसके घर का मेल अडल्ट फैमिली मेंबर, दोस्तों मैं इस लाइन पर दोबारा फोकस करना चाहूँगा, कोई भी उस पर्सन के घर का मेल अडल्ट फैमिली मेंबर को वो समन दे दिया जाएगा और सेम उसी तरह डुप्लीकेट कॉपी के बैक साइड पर उसके साइन ले लिए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि इसके एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि जो सर्वेंट है उस घर का उसको हम फैमिली मेंबर्स में नहीं काउंट करेंगे, यानी कि जो सर्वेंट है वो फैमिली मेंबर्स में काउंट नहीं होगा। 64 के बाद अब वापस आते हैं हम 63 पर, सर्विस ऑफ समन ऑन कॉरपोरेट बॉडीज एंड सोसाइटीज़, यानी कि कॉरपोरेट बॉडीज़ और सोसाइटीज़ में अगर किसी को समन इशू करना है तो वो कैसे किया जाएगा ये बताया गया है सेक्शन 63 में। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि कॉरपोरेट बॉडीज़ में अगर किसी को समन इशू करना है तो वो डायरेक्ट उसके सेक्रेटरी या लोकल मैनेजर या अदर प्रिंसिपल ऑफिसर को सर्व किया जाएगा। उसके बाद जो
चीफ ऑफिसर या जो सेक्रेटरी होंगे उस कॉरपोरेट के, वो उस समन को इशू करेंगे या सर्व करेंगे उस कॉरपोरेट के मेंबर को। दोस्तों अब बात करते हैं सेक्शन 65 की, यानी कि प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी इफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड। दोस्तों सेक्शन 62, 63 और सेक्शन 64 में बताए गए प्रोसीजर के अनुसार अगर समन सर्व नहीं होता है तो इस सेक्शन में बताया गया है कि सेक्शन 65 को फॉलो किया जाएगा, यानी कि जो सर्विंग ऑफिसर होगा वो समन की डुप्लीकेट कॉपी जो है उस व्यक्ति के घर पर जिसको समन इशू करना है कि एक ऐसी जगह पर जो कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द हाउस कहलाता है, यानी कि ऐसी स्थान जहाँ पर आते जाते हुए उसकी नज़र पड़ने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं, वहाँ पर उस समन की कॉपी को पेस्ट कर देगा। और इस सिचुएशन में ये माना जाएगा कि उस व्यक्ति को वो समन सर्व हो गया है। दोस्तों अब बात आती है सेक्शन 66 की, यानी कि सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट। जिस व्यक्ति को समन इशू करना है अगर वह व्यक्ति गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उस सिचुएशन में उसको समन कैसे इशू किया जाएगा, उस प्रोसीजर के बारे में बताया गया सेक्शन 66 में। दोस्तों इसमें बताया गया है कि वह व्यक्ति अगर एक्टिव सर्वेंट है गवर्नमेंट का तो जो समन है उस समन की डुप्लीकेट कॉपी उसके हेड ऑफ द ऑफिस को पहुंचा दी जाएगी, और जैसे सेक्शन 62 फॉलो होता है उसी तरह से जो हेड ऑफ द ऑफिस होगा वह उस समन का तामील करवाएगा, वह उस समन को सर्व करवाएंगे। अब बात आती है सेक्शन 67 की, यानी कि सर्विस ऑफ समन्स आउटसाइड लोकल लिमिट्स। दोस्तों अभी तक तो हमने पढ़ा था कि अगर समन जो है लोकल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर में सर्व होता है तो वो कैसे किया जाएगा, पर अब कंडीशन आई है कि जो समन है वो आउटसाइड लोकल लिमिट्स में सर्व करना है, तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर होगा, ये प्रोसीजर बताया गया सेक्शन 67 में। जब कोई कोर्ट समन इशू करते हैं जो कि उनके लोकल ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है तो वह उस समन को उस कोर्ट तक पहुंचाएंगे पहले जिसके लोकल ज्यूरिसडिक्शन में वह एरिया आता है या वह पर्सन जो है जिसको समन इशू कराया जाना है वह रहता है। उस कोर्ट तक समन पहुंचाने के बाद उस कोर्ट के जो सर्विंग ऑफिसर होंगे वह उस समन को ऐसे सर्व करेंगे जैसे कि सेक्शन 62 में बताया गया है, यानी कि जैसे वह खुद उस समन को सर्व कर रहे हों। अब बात आती है सेक्शन 68 की, प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केसेस एंड व्हेन सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट। यानी कि दोस्तों इसमें बताया गया है कि जब कोई समन आउटसाइड लोकल ज्यूरिडिक्शन सर्व किया जाता है और उसकी हेयरिंग पर जो सर्विंग ऑफिसर है वह प्रेजेंट नहीं होते तो एक एफिडेविट जो कोर्ट के सामने रखा जाएगा या बिफोर मजिस्ट्रेट प्रेजेंट किया जाएगा जिसमें बताया जाएगा कि जो समन है वो सर्व कर दिया गया है और उस समन की जो डुप्लीकेट कॉपी है वो उस एफिडेविट के साथ बिफोर मजिस्ट्रेट प्रेजेंट कर दी जाएगी। अब बात करते हैं आखिरी सेक्शन इस चैप्टर का, सेक्शन 69, यानी कि सर्विस ऑफ समन्स ऑन विटनेस बाय पोस्ट। तो दोस्तों इस सेक्शन में बताया गया है कि वह कोर्ट जो समन इशू कर रहे हैं वह कोर्ट किसी भी विटनेस को समन बाय पोस्ट सर्व कर सकते हैं, और इस सिचुएशन में जब वह व्यक्ति जिसको समन इशू किया जाना है पोस्ट पे अपने साइन करेंगे समन रिसीव करने के लिए या डिनाई कर देंगे उस समन को लेने के लिए, मना कर देंगे उस समन को लेने के लिए, तो दोनों ही अवस्था में ये माना जाएगा कि वह समन सर्व हो गया है या उस समन की तामील हो गई है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा समन का चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। वारंट का चैप्टर देखने के लिए बने रहिए लॉ गुरु में और इंतज़ार कीजिए हमारी अगली वीडियो का जिसमें हम आपको बताएंगे वारंट के बारे में, यानी कि सेक्शन 70 से लेकर सेक्शन 81 के बारे में। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए कि कैसा लगा आपको समन का टॉपिक। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।